हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पहले ही ERP9 या प्राइम की बात करें तो इसे कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, आज की ये वीडियो इसी के बारे में है। तो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंस्टॉल करके और सीख सकते हैं बहुत कुछ। अगर आपके पास सिस्टम है तो आसानी के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है। और फिलहाल मोबाइल के बारे में तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसे मोबाइल में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सिस्टम में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज उसी इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्रोम ओपन कीजिएगा, ठीक है। क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये क्रोम ब्राउजर ओपन है। अब इसमें गूगल ओपन कर लीजिए, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है टैली सॉल्यूशन। क्या टाइप करना है, टैली सॉल्यूशन, इस तरीके से टाइप कीजिएगा टैली सॉल्यूशन और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगा, देख रहे हैं, टैली सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो tallysolution.com टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रहा है, ये कह रहा है कि टैली का प्राइम का लेटेस्ट वर्जन 3.0 बीटा वर्जन अवेलेबल हो चुका है, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए ये नीचे चलते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा, ये सब टैली के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि टैली प्राइम जो है इस तरीके का दिखेगा हमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाउनलोडिंग की, कि इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड ऑप्शन, क्लिक करिएगा डाउनलोड पर। अब यहाँ पर देखिए टैली के सारे वर्जन जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिलहाल मेरा जो है टैली का, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है इनेबल है इस चीज़ के लिए कि टैली के लेटेस्ट वर्जन को यूज़ किया जाए। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो 32 बिट वाला ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आप 32 बिट वाला डाउनलोड कीजिएगा। फिलहाल ये टैली प्राइम जो है 64 बिट में ही इंस्टॉल होगा, 32 बिट में इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है नीचे, सपोर्ट्स विंडोज 7 और लेटर 64 बिट ओएस विथ 64 बिट प्रोसेसर, नोन एज नोन मोर ऑन रिकमेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हियर। यानी कि आप कोशिश यही करिएगा कि 64 बिट पे इसे इंस्टॉल किया जाए, 32 बिट में चलने की पूरी गारंटी नहीं है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे ये है तो इसी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये डाउनलोड होने लगेगा, सेटअप डाउनलोड होगा, क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। मेरे में चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम थी, आई होप कि इससे सॉल्व हो जाएगी, इससे दिक्कत दूर हो जाएगी। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यस यस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा, आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब इसे ओपन करिएगा तो एजुकेशनल मोड में ओपन कीजिएगा। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ये टैली प्राइम डाउनलोडेड है, जब ये ओपन होगा ना तो इसे एजुकेशनल मोड में ओपन करना है। किसमें ओपन करना है, एजुकेशनल मोड में। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एजुकेशनल मोड में नहीं ओपन करेंगे तो ये लाइसेंस मांगेगा, की मांगेगा, फिर आपको आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है ना, तो आपको एक्टिवेट लाइसेंस, न्यू लाइसेंस, इस पर नहीं क्लिक करना है। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, इस पर नहीं क्लिक करना है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, इस पर भी क्लिक नहीं करना है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है, या खाली टी प्रेस कर देना। जैसे टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और आपका टैली प्राइम इस तरीके से, देखिए जैसे मेरे में ओपन हुआ है, इस तरीके से आपके में भी ओपन हो जाएगा। और हमें क्या करना है, एक नई कंपनी क्रिएट करनी होती है, तो यहां से जाके आप नई कंपनी बना सकते हैं अपनी, चाहे जो भी कंपनी हो। अब बात आती है कि सर जब टैली प्राइम आसानी से डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल है तो क्यों इसे 17 से 18 हजार 20 हजार में क्यों बेचा जाता है। तो देखिए उसके पीछे एक रीजन ये है कि जब आप टैली प्राइम में कोई भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहां डेट नहीं चेंज होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर या तो आप 1 तारीख की डेट में काम कीजिए, या तो 2 तारीख में, या तो 30-31 में, यही डेट आपको मिलेगी काम करने के लिए, बाकी कोई डेट में आप काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे डेट चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा एक, आप देखिए 1 तारीख में जाऊंगा तब तो ये तुरंत काम कर जाएगा, 1/7/2023 ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/7/2023, ठीक है। और यहाँ पे एंटर किया, देखिए अभी ये एंटर नहीं हो रहा है, एक मिनट, हमको फाइनेंशियल ईयर पहले चेक करना होगा, 22 है सॉरी। तो यहाँ पे 1/7/2022 करना होगा, 1/7/2022। तो देखिए ये तुरंत जो है डेट चेंज हो गई हमारी, ठीक है, 1 जुलाई 2022 हो गई। करेंट डेट क्या हो गई, 1 जुलाई 2022। अब देखिए यही चीज अगर मैं 5 जुलाई 2022 करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं होगा। देखिए 5/7/2022 किया तो ये डेट हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है टैली प्राइम में, एजुकेशनल वर्जन में, और जो लाइसेंस वर्जन आप परचेज करोगे उसमें, ठीक है। अब देखिए इस पर कोई भी डेट चेंज करिए आप, 1, 2,
को छोड़ करके अब 2 तारीख तो ले लेगा आसानी से। देखिए 2/7/2022 करते हैं तुरंत ले लेगा ये, देखिए चल रहा है ठीक है। अब यहां देखिए 3 करते हैं तो भी नहीं काम करेगा, 3/7/2022 करेंगे तो भी ये नहीं लेगा। देखिए कोई भी डेट नहीं लेगा सिवाय 1-2, ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि 1 तारीख या 2 तारीख के ही डेट में आप काम कर पाएंगे, अन्यथा आप काम नहीं कर सकते हैं, इस चीज की पूरी जानकारी रखिए ठीक है। प्रैक्टिस के लिए तो बेहतरीन है ये, प्रैक्टिस चाहे जितना हो सके इससे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, सारी चीजें बहुत क्लियर है ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइव क्लास जो टैली की चलेगी तो 7 बजे से मैं शुरू कर रहा हूँ, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और इस संडे से 7 बजे से लाइव क्लास फिर शुरू करूंगा, तो जो भी बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें हैं सारी चीजें बताता चलूंगा। तो जो लोग भी टैली सीखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इस बार कि जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं उन्हीं को जोड़ा जाए इसमें ठीक है। तो जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रखेंगे उनको जरूर जोड़ा जाएगा। और शाम को 7 बजे से क्लास चलेगी, जैसे कि चैनल पे इंफॉर्मेशन पड़ी ही रहती है तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आप लोग जरूर आएंगे संडे को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।